सिविल लाइन थाना अंतर्गत रसूलपुरा निवासी छोटू सिंह उर्फ कम्मा सिंह के यहाँ बुधवार को दिन दहाड़े दोपहर 12 से 1 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देकर 7 लाख के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। छोटू सिंह ने बताया कि घर के सभी लोग खेत पर काम करने चले गए, पीछे से सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारियों में रखे जेवर और नकदी को चुरा लिया। लगभग 1 लाख नकदी सहित 6 लाख के सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज की और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। जो दिन को हमारे घर पे कोई थे नहीं, भैया भाभी सब खेत में गए हुए थे, तो दिन में यहाँ कोई नहीं था, तो लोग लगा कर सब भाई खेत में चले जाते, पास में खेत है जो वहाँ गए हुए थे, तो करीबन 12:30-1 बजे लगभग यहाँ आए और सब लोग वोक सब तोड़े हुए थे। तो मम्मी आई तो मम्मी ने देखा भाई लोग कैसे खुले में क्यों, तो ये कागज वागज सब बाहर पड़े हुए थे, सामान सब बाहर पड़ा हुआ था, तो मम्मी अंदर जाके भाई जेवर देखे तो सब कुछ नहीं था, जेवर और अंदर सब सर ये लेके आए, तीनों तीनों कमरों के लोग लगा हुआ था, तीनों कमरे को लोग तोड़े हैं, अंदर से अलमारियाँ थी, अलमारियों के फिर लोग तोड़ के फिर अंदर से जेवरात निकले। जैसे पापा का एक फूल आता हमारे, वो फूल फेंकते करीबन 6 तोड़ा का लगभग फूल आता है, एक तो 6 तोड़ा वो और दो नत आती है, नथड़ी जो उसको कहते हैं, उसके सुहा सुहा तोला की होती है, वो दो वो होती है, 3-4 मादलियों की जोड़ी थी हमारे भाइयों की, हमारे मम्मी के पास ही रहते हैं। 30 लाख 30 हज़ार रुपये केस थे वो पड़े हुए थे और वो बाकी सामान थे।